नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुगुन में। दोस्तों, इंडिया में निकलने वाली फिर से नई भर्ती के बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल दीपेश गुगुन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। और दूसरी बात यह कि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको प्रत्येक वीडियो की PDF यहाँ पर प्राप्त होती रहेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इंडिया में निकली कौन सी भर्ती के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। तो वो भर्ती है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में ये भर्ती निकली है। उसकी पूरी PDF है 13 पेज की, दोस्तों आपको व्हाट्सएप ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, इसमें प्रत्येक बताया गया है कि कौन से पद कितने हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पर हमने इसका कुछ हिंदी ट्रांसलेट किया है ताकि पूरा हम आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, जो मेन टॉपिक है हमने उसका हिंदी ट्रांसलेट कर लिया है, पर अगर आपको इंग्लिश वाली PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ऊपर ज्वाइन हो जाइए, आपको ये PDF बिल्कुल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हमने जिसका हिंदी ट्रांसलेट किया वो बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कंस्ट्रेंस सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है। अधिकतम आयु सीमा आपकी 55 साल रहेगी, सैलरी 2 लाख रुपए तक रहेगी आपकी। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। सरकारी नौकरी और वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक और भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अनुसार शिक्षा मंत्रालय में 39 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक और भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी पदों पर भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। संविदा अवधि शुरुआत में 2 वर्ष की रहेगी, जिसे जरूरत के अनुसार बढ़ाकर 5 वर्ष किया जा सकता है। ठीक है, शुरुआत में ये 2 वर्ष की रहेगी पर इसे आगे चलकर 5 वर्ष तक बढ़ा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में नंबर ऑफ पोस्ट 39 है, पद है सीनियर कंसल्टेंट और अन्य का। ठीक है, आवेदन शुरू हो चुके हैं 8 नवंबर से, 28 नवंबर इसकी लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, मतलब आपके पास 2 दिन यहां पर बचे हुए हैं। फीस है बिल्कुल निःशुल्क, आपको 1 रुपए भी नहीं देना। ठीक है, ये नोटिफिकेशन मेरे पास बहुत पहले आ चुका था पर मुझे कुछ टाइम नहीं मिला इसलिए मैं बना नहीं सका, उसके लिए आपको सभी से माफी चाहता हूँ। वैकेंसी डिटेल का है, कंसल्टेंट के 26 पद है, सीनियर कंसल्टेंट के टेट के 7 पद है, चीफ कंसल्टेंट के 4 पद है, प्रिंसिपल के 2 पद है। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, किस वर्ग के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, किस क्वालिफिकेशन के उम्मीदवार इसमें आवेदन करते हैं। SS परियोजना के तहत कंसल्टेंट के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का संबंधित विषय में मास्टर होना चाहिए। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। संबंधित कार्य का कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। सीनियर के लिए उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, चीफ के लिए 8 साल का और प्रिंसिपल के लिए 10 साल का अनुभव होना चाहिए। कंसल्टेंट की अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष, सीनियर की 40 वर्ष, चीफ की 45 वर्ष, प्रिंसिपल की 55 वर्ष यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी की बात करें तो 80,000 से लेकर 2 लाख प्रति माह रुपए आपको सैलरी जो है वो दी जाएगी। आपकी स्टार्टिंग 80,000 से रहेगी, फिर आपको 2 लाख रुपए तक इसमें सैलरी दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट edcindia.com पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है कि edcindia.com पर इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। करियर ऑप्शन में एप्लीकेशन पेज पर आपको लिंक दिखाई देगा। अब जैसे ऑफिशियल वेबसाइट edcindia.co.in पर जैसे ओपन होगी वेबसाइट, करियर ऑप्शन में आपको जाना है, एप्लीकेशन पेज की लिंक दिखाई देगी। लिंक ओपन करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, यह मांगी गई डिटेल दर्ज करें, जो फॉर्म में डिटेल मांगी गई है दे देना। आपको सभी डिटेल भरने के बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, फॉर्म सबमिट कर देना और प्रिंट निकाल लेना। आपको 1 भी रुपये शुल्क नहीं लगेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक, ऑनलाइन आवेदन लिंक की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। अगर वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, वैकेंसी निकले चीफ मिनिस्ट्री में तो इसमें आप ज़रूर आवेदन करिए। जो कि भर्ती का नाम एक बार हम आपको फिर से बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कंसल्टेंट सहित अन्य पदों पर निकली भर्ती, जिसमें आपकी अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है और सैलरी 2 लाख रुपए तक रहेगी। तो दोस्तों, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। सभी वर्ग के लोगों के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क आवेदन है, तो इसमें आप आवेदन करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही तो हमारे व्हाट्सएप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।